आपको प्रिज्म दिया है, प्रिज्म कैसा होता है? हेक्सागोनल दिखता है। ये ऐसा रहता है भाई प्रिज्म? जी सर। इस तरीके से हेक्सागोनल ऐसा सीधा रहता है प्रिज्म, पिरामिड ऐसा रहता है, लेकिन प्रिज्म कैसा रहता है? सीधा बन जाता है। मतलब जितनी आधार भुजा होती है उतनी इसकी टॉप की भुजा भी होती है। तो जिस प्लेन से झुका हुआ दिया जाए उसी प्लेन के लंबवत मानकर इसको हम क्या करते हैं? बना लेते हैं। तो इसको भी आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आप इसको रख दोगे। इस तरीके से यदि आप इसको रख दोगे ठीक है, आपका नाप में बनेगा एकदम जब बनाओ। अब आप इधर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? इसका बेस आधार दिखेगा। तो हमको वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करनी है। हमको सबसे पहले क्या बनाना है? आधार। हेक्सागोनल कितने के एंगल पर बनता है? 105। इसमें 30 के एंगल पर बनाना है। 30 mm भुजा दी है आपको, तो आपको 30 mm भुजा ले लेनी है इस तरीके से। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसके आधार भुजा को क्या करेंगे? नीचे की ओर लाएंगे ना। इसको एचबी से लेना है आपको। एक से दो सेंटीमीटर लगभग स्पेस छोड़ के नीचे अपने को इनको क्या करना है? नीचे लाना है पॉइंट को। यहां से आपके पॉइंट सारे कैसे जाएंगे? नीचे जाएंगे। और उसके बाद में अपने को नीचे, क्योंकि एक बेस इसका कैसा दिखेगा? यदि ये डस्टर है, एक एग्जांपल के तौर पे अपन डस्टर देखते हैं, तो देखो ये कैसा है, चतुर्भुज है, लेकिन आपको सामने से कैसा दिख रहा है? यदि इसको खड़ा रखा है तो कैसा दिख रहा है? एकदम रेक्टेंगल आकार का, मतलब हम कह सकते हैं कि आयताकार दिख रहा है। तो यहाँ पर इसकी जो प्लेट है वो भी कैसी दिखेगी? आयताकार प्लेट दिखेगी। तो लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर इस पे छोड़ना है, और वहां से जितना अक्ष दिया उतना अक्ष ले लेंगे अपन इस तरीके से, और फिर इन भुजाओं को, जो ऊपर वाली भुजा है, इनको मिला देंगे। फ्रंट व्यू कौन सा है? ये वाला है। तो इसमें 1 days, 2 days, 3 days, 4 days, 5 days, sorry, 6 days इसका नाम देना है। यहाँ पर आप 1 day, 1 or 2 days देंगे अपन। यहाँ पर अपन 3 और 6 देंगे, और यहाँ पर 4 और 5 2 4 5 6 3 1 2 इस तरीके से नाम दे देंगे। अब मैंने आपको बताया था कि यदि एक बार ये भाग नीचे बन जाए तो अगला भाग भी क्या बनेगा? नीचे। तो हम इसको क्या करेंगे? नीचे ही बनाएंगे अगली इसमें भी। तो कितना झुकाएंगे अपन इसको? 30 डिग्री झुकाएंगे। यहाँ लगभग 2 सेंटीमीटर स्पेस छोड़ना आप लोग, और ऐसा झुका देंगे। ये वाला जो आधार है उतना आधार आप यहाँ ले लोगे, और यहाँ पर इस तरीके से, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? जितनी आपको अच्छी दिखा है उतनी दूरी आपको इधर लेनी है। फिर क्या करेंगे अपन इन लाइनों को एक दूसरे से मिला देंगे। फिर अपन इन लाइनों के पॉइंट को कहाँ ले जाएंगे? अनलिमिटेड ऊपर ले जाएंगे इस तरीके से। यहाँ से अपन इसको इधर ऊपर की ओर ले जाएंगे। इन पॉइंट को अपने को लाना है लास्ट तक, इस तरीके से लाएंगे। इस लाइन के समानांतर देखोगे तो आप ये लाइन दिखेगी, इस लाइन के समानांतर ये लाइन, इस लाइन के समानांतर ये, इधर से आपको ये डॉटेड दिखेगी, मतलब ये पूरी दिखेगी यहाँ से, तो क्योंकि इसमें दो आकृति बन रही। और जो अंदर वाली रहेगी इसमें, इसको क्या करना आप इस तरीके से डॉटेड कर देना। आप जब बनाओगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि अंदर का भाग कौन सा, इसलिए पहले 2S से बनाइएगा, उसके बाद आप HB से बनाना। इस तरीके से हमको इसको मिलाना है। तो आप मिलाने पर देखोगे ये अंदर का भाग है, इसलिए डॉटेड दिया है मैंने इसको, है ना। और बाकी ये बाहर का भाग, एक साइड से यदि आप देखोगे इस डस्टर को तो एक साइड से आपको पूरा दिखेगा, और एक साइड केवल इतना भाग दिख रहा है, इधर पीछे का भाग आपको नहीं दिख रहा। तो पीछे का भाग है जो आपको नहीं दिखाई देता है। इस तरीके से आपको इसको नाम देना है। तो यहाँ आप दे दोगे 1 days, 2 days, 3 days, 6 days, 4 days, 5 days, 4 days, 5 days, 3 days, 6 days, 1 days, 2 days। यहाँ पर आपको जो है ये वाला, ये जैसे का वैसे ही रहेगा। 3 days, 2 days, यहाँ डबल डेज देना है ना, 4 double days, 5 double days, 6 double days, 1 double days, ऐसे ही इसको भी नाम दे देंगे। 1 double days, 6 double days, 5 double days, 4 double days, 3 double days और 2 double days। इस तरीके से इसको अपने को नाम देना है, और अंत में जो डायमेंशन है इस डायमेंशन को शो करना है। ये डायमेंशन आपको कितने दिए? 55। तो 55 शो कर देंगे। ये डायमेंशन आपको 30 दिए तो 30 शो कर देंगे, और अंत में यहाँ फिगर का नाम लिख देंगे। क्या लिखेंगे? प्रोजेक्शन ऑफ।